आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर जब आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये पेंडिंग शो होता है, तो ये प्रॉब्लम अपने फ़ोन में ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप इसे कैंसिल पर क्लिक करिए, उसके बाद प्ले स्टोर से बाहर आइए। अब आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए, सेटिंग में आने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, तो ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। तो ये हमारे फ़ोन में मैनेज ऐप्स के नाम से आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने पर आएगा ये गूगल प्ले स्टोर, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो प्ले स्टोर आएगा इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आएगा, या फिर आप यहाँ पे आने के लिए प्ले स्टोर के आइकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए। उसके बाद ये ऐप इन्फो आएगा, तो ऐप इन्फो पे क्लिक करिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद नीचे ये जो फोर्स स्टॉप आएगा इस पर क्लिक करिए, उसके बाद ओके करिए। ऊपर ये जो स्टोरेज आएगा या फिर आपके किसी किसी फ़ोन में स्टोरेज यूसेज के नाम से आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने से कोई आपके फ़ोन से डेटा या फिर कोई ऐप डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पर अब बैक आ जाइए। सेटिंग्स से बाहर आने के बाद अब आप अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। अब अपने फ़ोन में फिर से आप प्ले स्टोर ओपन करिए और यहाँ पे अब चेक करिए, व्हाट्सएप आपके फ़ोन में अब डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे कि ये व्हाट्सएप हमने सर्च किया, तो अब ये देख सकते हैं हमारे फ़ोन में ये डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।